2019 में फिर उनको बुखार चढ़ा और धवन साहब को जो केंद्रीय मंत्री थे उनको चुनाव में उतारा गया और आम आदमी पार्टी की स्थिति ये थी कि 13,000 वोटें लेकर उनकी जमानत जुटा। इस कारण से अकाली दल को तो हम विक्रम बताल की तरह पीट पर डोते रहे। कांग्रेस से निकाले हुए लोग, कांग्रेस से नाराज लोग, कांग्रेस से जो मैं समझता हूँ असंतुष्ट लोग, वो आम आदमी पार्टी 1,08,000 लोगों को आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया। उन्होंने चंडीगढ़ की राजनीति में जिन लोगों ने उन पर विश्वास जताया था, गुप्तनाम भी चली, आम आदमी पार्टी भी चली, और आज आया राम गया राम का खेल शुरू हो गया। कोई आप में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है। अर्थप्रकाश टीवी में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस को हम एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। रोज़ाना आपकी मुलाकात हम चंडीगढ़ के जो भावी उम्मीदवार हैं उनसे करवाते हैं। ज़्यादातर ने अभी कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमें उम्मीद है कि शायद आज कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद। तो सूद साहब, अब बहुत ही कम समय रह गया है और अभी तक कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं हुए, तो सबसे इसलिए पहला सवाल तो यही है कि कब तक आप अपनी सूची जारी कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली है। हमारी यहाँ जो हमारे मंडलों से हमने नाम मांगे थे कि जो वार्ड है वो हमारा मंडल है, तो मंडलों के पदाधिकारियों ने बैठ के वहाँ कौन कौन से नाम जो हैं वो चर्चा में है, वो सूची आगे डिस्ट्रिक्टों में भेजी और डिस्ट्रिक्ट में भी जहाँ वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, महामंत्री और जिले के जो प्रदेश के जो पदाधिकारियों की सूची, ऐसे आशा 8-10 लोगों ने बैठ के उसको सारा जो है वो एनालिसिस किया और प्रदेश को डिस्ट्रिक्ट भेजी। उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, हमने कई तरह के सर्वे करवाए थे, उन सारे सर्वे के जो रिजल्ट आया और इन सब चीज़ों को आधार मानते हुए, और तीन क्राइटेरिया, विनेबिलिटी एज द फर्स्ट क्राइटेरिया जी, सब्जेक्ट टू कमिटमेंट टू द पार्टी जी, और वेदाग छवि जी, तो ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा केंद्रीय नेतृत्व से भी हमने परसों रात को दिल्ली गए हुए थे और अभी बैठ के जो है आज रात को 9 बजे एक बड़ी सूची आज हम जारी कर देंगे। आज आपकी अभी जो बैठक हुई है तावड़े साहब के साथ और बाकी जो आपके साथी थे, तो उसमें अब आपने ये पूरी तरह से फाइनल कर दी है? लगभग नाम फाइनल है, कुछ छोटी मोटी चीज़ों के क्लैरिटीज होनी होती हैं, कुछ हमने रीसर्वे किए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले 6 साल में कॉरपोरेशन में जो काम किए हैं, 7 साल में हमारी MP की रहनुमाई में जो प्रशासन और स्मार्ट सिटी में काम हुए, भारतीय जनता पार्टी आज डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर जो है वो चुनाव में उतर रही है। हमारा संगठन आज नीचे बूथ लेवल तक, पन्ना कमेटियों तक मजबूत है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरी जो है, ये हम सारी प्रक्रिया में हम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, क्योंकि इस बार का हमने 35 सीटों में 35 का 35 लक्ष्य रखा है जी। पिछली बारी हम 22 लड़े थे, 21 जीते थे, तो इस बार वो कमी भी हम पूरी करने जा रहे हैं, तो उस कारण से कोई भी किसी प्रकार से चयन में गलती ना हो जी, इस चीज़ को लेके हम लोग ऐसा भी सुनने में आ रहा है, कई न्यूज़पेपर्स में खबरें भी छपी हैं कि चूँकि आपका जो क्राइटेरिया जो आपने बताया, उस क्राइटेरिया पे काफ़ी सारे सिटिंग जो आपके काउंसलर्स हैं वो खड़े नहीं उतर रहे हैं और काफ़ियों के टिकट कट रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। नई वार्ड बंदी हुई है, नई डिलिमिटेशन हुई है, रिजर्वेशन हुई है, उससे बहुत सारे लोगों के वार्ड जो हैं वो आरक्षित हुए हैं, चाहे महिला के लिए है, चाहे वह SC के लिए हो, लेकिन पार्टी ने कोशिश की है कि जो चेहरे जीतने वाले, कोई सिटिंग काउंसलर है ठीक है, वो पार्टी की सेवा की है उन्होंने, लेकिन ऐसे लोग जो जीत सकते हैं, चाहे वो सिटिंग काउंसलर हो, चाहे कोई नया चेहरा हो, हम लोग विनेबिलिटी, पार्टी के प्रति उनकी जो निष्ठा और उनका बेदाग चेहरा, इसको लेके हम लोग जो हैं वो चयन प्रक्रिया हमने की है। आपकी अगर स्वयं की हम बात करें तो उसके बारे में भी चर्चा है कि आप खुद मैदान में उतरना नहीं चाह रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? मैं 10 साल से पार्षद हूँ जी, वार्ड नंबर 8 से, जो भी इसका एक इलाका वार्ड नंबर 25 हो गया है जी, मेयर भी रहा हूँ शहर का, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है जी, और अभी मेरे पास पार्टी अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी है,
अभी भी मेरे विषय में जो है वो मैं खुद नहीं तय कर सकता। हमारे यहाँ पे चाहे कोई आपके पास जितनी बड़ी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन आप एक कार्यकर्ता हो जी, कार्यकर्ताओं के विषय में पार्टी हाईकमान तय करती है। मेरे को जो आदेश होगा, अभी ये तो अटकलें लगाई जा रही हैं, कोई कह रहा है मैं लड़ूंगा, कोई कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, कभी आ जाता है मेरी बीवी लड़ेगी। मेरी बीवी जो है वो सरकारी नौकरी करती है, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूंगी, वो किसी तरीके से मेरी बीवी या मेरे परिवार का कोई सदस्य जो है वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहा, ये क्लियर है, मेरे अलावा कोई कॉन्सिडरेशन में नहीं है। दूसरा, मेरे विषय में पार्टी अगर तय करेगी कि मेरे लड़ने से पार्टी को लाभ है, तो मैं जिस पर नहीं, वो तो अब तक तय हो चुका होगा ना, अब तो आपकी सूची हो चुकी है, अभी कॉन्सिडरेशन में है। अच्छा, अभी कॉन्सिडरेशन, जब तय होगा तो हम आपको पूरे ढोल धमाके के साथ बताएंगे। अच्छा सर, बाकी इस बार इलेक्शन आपको कितना टफ लग रहा है, क्योंकि इस बार सिचुएशन क्या है कि अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, श्रोमणी अकाली दल के साथ भी आपका अब पहले की तरह वो गठबंधन नहीं रहा, तो इन चीज़ों का नुकसान आपको लगता है मिलेगा होगा पार्टी को? ऐसा जी, रूलिंग पार्टी को हमेशा जो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है उसका लाभ होता है, ये राजनीतिक गणित है। एक दूसरा, अकाली दल को हमेशा से हम चार सीटें देते रहे और वो एक से ज़्यादा सीट जीत नहीं पाते रहे, इस कारण से अकाली दल को तो हम विक्रम बताल की तरह पीठ पे ढोते रहे। आज पार्टी 35 सीटें लड़ रही है, पिछली बार भी हमने 22 लड़ी, हम 21 जीते, वो चार लड़े एक जीते, आज पार्टी 35 की 35 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस बात का उत्साह है। और आम आदमी पार्टी का अगर हम जिक्र करें, देखें तो 2014 में आम आदमी पार्टी ने यहाँ गुलपनाग जी ने चुनाव लड़ा था और वो तीसरे नंबर पे आए थे, 108,000 वोट उनको पड़ा था दूसरे नंबर पे, और वो उसके बाद जो है 108,000 लोगों को आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया। उन्होंने चंडीगढ़ की राजनीति में जिन लोगों ने उन पर विश्वास जताया था, गुलपनाग भी चली गई, आम आदमी पार्टी भी चली गई। 2019 में फिर उनको बुखार चढ़ा और धवन साहब को जो केंद्रीय मंत्री थे उनको चुनाव में उतारा गया, और आम आदमी पार्टी की स्थिति ये थी कि 13,000 वोटें लेकर उनकी जमानत जब्त हुई। आम आदमी पार्टी का आज आधार नहीं है, चेहरा नहीं है, आज कल लिस्ट उन्होंने जारी की है, और उस लिस्ट में अगर एक आधा कोई नाम छोड़ दे, दूसरे व्यक्ति को शहर के लोग नहीं जानते कि कौन है। दूसरा, आज आम आदमी पार्टी के विषय में उनके केजरीवाल जी ने इसीलिए कहा है कि सारे बड़े चेहरे हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे, और उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा है, वो आज प्रमुखता से छपाया कि वो लोग चुनाव में उतरे। लीडर को हमेशा ये कि जब वो चुनाव से भागता है तो उसको लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसको अपनी हार नजर आती है, और आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस से निकाले हुए लोग, कांग्रेस से नाराज लोग, कांग्रेस से जो मैं समझता हूँ असंतुष्ट लोग, वो आम आदमी पार्टी में, चाहे वो चंद्रमुखी जी हों, चाहे छाबड़ा जी हों, चाहे संदीप भारद्वाज हों, जितने भी लोग आए हैं, और आज आया राम गया राम का खेल शुरू हो गया, कोई आप में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, तो आपस में उनके विद्रोह हो रहे हैं, पहले उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किए, फिर बाद में वापस लेना पड़ा, फिर डिक्लेयर किए। पुराने लोग जो आम आदमी पार्टी के थे, जो ओरिजिनली आम आदमी पार्टी में मेंबर थे, सदस्य थे, वो लोग आज असंतुष्ट हैं, वो बगावत कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो मैं समझता हूँ कि बहुत कोई ऐसा टफ मुकाबला देने की नहीं है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे राहुल सूद जिनसे आज हमारी बातचीत हुई, उनका दावा है कि 35 की 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, तो देखते हैं कि उनका दावा ये कितना सही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।